स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी अकेडमी पर। हम आपको पढ़ाएंगे आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कोई एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी जो अर्धगोला है इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है यानी कि अध्यारोपित है, यानी दोनों का व्यास क्या होगा, बराबर होगा। अब अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिए हुए तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो इस बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित है। अब इस अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, इसकी त्रिज्या ही इसकी ऊंचाई होगी। तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या निकलेगी, 7 सेंटीमीटर निकलेगी। अब इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिए हुए, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिए हुए, तो 13 में हम जब 7 माइनस करेंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई पता चलेगी कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकलेगी, 6 सेंटीमीटर। 13 में हम 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई निकलेगी। तो हम अब लिखते हैं बेलनाकार भाग के लिए क्या दिए हुए हैं, बेलनाकार भाग के लिए इसमें त्रिज्या क्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसकी ऊंचाई क्या दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग के लिए हम लिखते हैं अर्धगोलाकार भाग के लिए अर्धगोलाकार भाग के लिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या दिए हुए हैं, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है क्योंकि अध्यारोपित है। अब इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस बर्तन का ही। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRh। अब इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR2, क्योंकि जो पूरा गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πR2, तो अर्धगोले का यानी कि 2πR2 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 2π, यानी दोनों में 2π है। अब r भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में r है तो r इसमें कॉमन आ जाएगा। r इसमें कॉमन इसलिए आएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या दोनों में समान है। अब हम यहाँ पर h बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक r कॉमन चला गया, एक r यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2π का मान लिखेंगे 22/7, त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब इसकी ऊंचाई क्या है, यानी कि इसकी ऊंचाई बेलन का ये 2πR या सी बेलन का फार्मूला है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे 6 और त्रिज्या क्या है, 7, यानी कि त्रिज्या क्या है, 7 है। अब यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 22 × 2 × 6 और 7 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 × 42, 12, 4 × 2 = 12, 4 × 4 = 4, 4 × 1 = 5, 275, यानी कि 572, यानी 572। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 572 cm². इस बेलन का ये जो बर्तन बना हुआ है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 572 cm². आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले।